हेलो एवरीवन, क्लास फोर्थ EVS चैप्टर 4 द अमेजिंग वर्ल्ड ऑफ प्लांट्स। स्टूडेंट्स, प्लांट्स के टू मेन सिस्टम होते हैं, रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम। शूट सिस्टम पौधे का वह भाग जो सॉइल के ऊपर ग्रो करता है वो शूट सिस्टम कहलाता है। द पार्ट ऑफ द प्लांट दैट ग्रो अबव द सॉइल फॉर्म शूट सिस्टम, और जो सॉइल में होगा। द पार्ट ऑफ द प्लांट दैट ग्रो बिलो द सॉइल, जो बिलो द सॉइल ग्रो करेगा उसको रूट सिस्टम बोला जाता है। ये एक प्लांट है, इसमें ये सॉइल के ऊपर ये शूट सिस्टम है और ये वाला पोर्शन ये रूट सिस्टम है। दैट ग्रो बिलो द सॉइल फॉर्म अ रूट सिस्टम। नेक्स्ट इज द रूट सिस्टम। रूट्स मेनली टू टाइप्स की होती हैं, टैप रूट्स एंड फाइबरस रूट। टैप रूट्स थिक होती हैं, वो वर्टिकली डाउन डीप ग्रो करती हैं सॉइल में, और टैप रूट से ही स्मॉल हेयर लाइक रूट्स ग्रो होते हैं जिन्हें लेटरल कहा जाता है और साइड रूट्स भी कहा जाता है। टैप रूट्स के एग्जाम्पल हुए जैसे कैरेट, रेडिश, टर्निप, नीम, मैंगो एट्सेट्रा। और फाइबरस रूट, फाइबरस रूट की कोई मेन रूट नहीं होती है। फाइबरस रूट हैज़ नो मेन रूट। उनमें से बहुत सी पतली पतली जड़ें ग्रो करती हैं ऑल डायरेक्शन में। ये जड़ें बहुत डीप तक नहीं जाती हैं और ये प्रिवेंट करती हैं सॉइल इरोजन को। फॉर एग्जांपल हुए, फाइबरस रूट हुई राइस, ग्रास, मेज़, वीट, इन सभी की रूट्स फाइबरस रूट्स हुई। नेक्स्ट इज सम स्पेशल टाइप्स ऑफ रूट्स। फर्स्ट इज वाटर स्टोरिंग रूट्स। ये रूट्स पानी को स्टोर करती हैं और प्लांट को ड्राई समर मंथ में सर्वाइव करना फिर इजी हो जाता है। फॉर एग्जांपल पम्पकिन एंड गॉड। नेक्स्ट इज प्रोपेगेटिंग रूट्स। इन रूट्स में जमीन की सतह के करीब कलियां होती हैं, फॉर एग्जांपल स्ट्रॉबेरी, चेरी। नेक्स्ट इज बट्रस रूट्स। ये रूट्स लार्ज होती हैं और ऑल साइड ग्रो करती हैं। नेक्स्ट इज एरियल रूट्स। एरियल रूट्स आर द रूट्स अबव द ग्राउंड एंड ग्रो फ्रॉम द ब्रांचेज ऑफ द ट्री, गो डीप इन टू द सॉइल एंड ईच रूट एक्ट एज अ स्टेम टू सपोर्ट द ट्री। फॉर एग्जाम्पल पीपल एंड रबर ट्री। नेक्स्ट इज फूड स्टोरेज रूट्स। सम रूट्स हेल्प टू स्टोर द फूड। वो अपने आप में फूड को स्टोर करती हैं, जैसे शुगर बीट, बीट रूट, रेडिश, टर्निप, कैरेट एट्सेट्रा। नेक्स्ट इज फंक्शन ऑफ रूट्स। फंक्शन ऑफ रूट्स, रूट्स ऑफ प्लांट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल। सॉइल से वाटर एंड मिनरल को एब्जॉर्ब करती हैं और पौधे के विच आर यूज्ड बाय द प्लांट टू मेक फूड। और सम रूट्स स्टोर फूड इन देम, दैट इज कॉल्ड स्टोरेज रूट्स। फॉर एग्जांपल टर्निप, कैरेट, रेडिश एट्सेट्रा। बरगद के पेड़ की जड़ें उनकी शाखाओं से बढ़ती हैं। वे पेड़ की भारी शाखाओं को बेहतर सहारा देने में मदद करती हैं। नेक्स्ट इज द शूट सिस्टम। द पार्ट ऑफ द प्लांट अबव द सॉइल फॉर्म द शूट सिस्टम। जो अबव द सॉइल होता है वो शूट सिस्टम को बनाता है। और उसके वेरियस पार्ट्स हुए स्टेम, लीव्स, फ्रूट्स, फ्लावर्स, ये सभी उसके पार्ट हुए शूट सिस्टम के। फर्स्ट इज स्टेम। स्टेम वर्टिकली अप
ग्रो करता है, अपवर्ड ग्रो करता है फ्रॉम द ग्राउंड, एंड द मेन थिक स्टेम ऑफ द ट्री इज कॉल्ड ट्रंक. मेन जो थिक स्टेम होती है तने की, मेन थिक स्टेम होती है जो पेड़ की, उसे ट्रंक बोला जाता है. नेक्स्ट इज फंक्शंस ऑफ स्टेम. स्टेम प्लांट को सीधा ग्रो करने में, सीधा रखने में हेल्प करता है, और उसमें दैट बियर लीव्स, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स. एंड स्टेम कैरीज वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द रूट्स टू द लीव्स टू मेक फूड. स्टेम ही वाटर एंड मिनरल रूट से इकट्ठा करके पौधे की जो लीव्स होती हैं उन तक भेजता है, और फिर लीव्स जो हैं अपना पौधे के लिए भोजन तैयार करती हैं. इट कैरीज प्रिपेयर्ड फूड फ्रॉम द ट्री, फ्रॉम द लीव्स टू द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट. इट कैरीज प्रिपेयर्ड फूड फ्रॉम द लीव्स. प्रिपेयर्ड फूड फ्रॉम द लीव्स होता है, उसको दूसरे भागों तक भी ये स्टेम ही उसको पहुंचाता है. सम स्टेम स्टोर फूड इन देम, फॉर एग्जांपल शुगर केन, एंड सम स्टेम ग्रो बिलो द ग्राउंड. कुछ तने जो हैं वो बिलो द ग्राउंड ग्रो करते हैं, उन्हें अंडरग्राउंड मॉडिफाइड स्टेम बोला जाता है. और वी ईट दीज स्टेम एज अ फूड, फॉर एग्जांपल अनियन हुआ, जिंजर, पोटैटो, कोलोकासिया एट्सेट्रा. नेक्स्ट इज लीव्स. द लीव्स, लीव्स को किचन ऑफ द प्लांट भी बोला जाता है. लीव इज फ्लैट थिन पार्ट ऑफ द प्लांट दैट इज अटैच टू द ब्रांच. ब्रांचेस से वो अटैच होती हैं, और दे आर ऑफ वेरियस शेप, साइज एंड कलर. अलग अलग शेप्स की, साइज की, कलर्स की होती हैं. फंक्शन ऑफ लीव्स. द ग्रीन लीव्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू मेक फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, एंड लीव्स मेक द फूड फॉर द प्लांट विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. सम लीव ऑफ द प्लांट, लीव्स ऑफ सम प्लांट आर यूज्ड एज मेडिसिन. कुछ पौधे की पत्तियों को एज अ मेडिसिन भी यूज किया जाता है, नीम, तुलसी हो गया जैसे. सम लीव्स टू स्टोर फूड इन देम दैट वी ईट एज अ फूड, फॉर एग्जाम्पल स्पिनेक, कैबेज एंड लेटस. नेक्स्ट इज फ्रूट. फ्रूट्स, फ्रूट आर द अनदर इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्लांट दैट कंटेन सीड इन देम, जिसमें बीज होते हैं. फॉर एग्जाम्पल पपाया, एप्पल, मैंगो. नेक्स्ट इज सीड्स. ईच सीड कंटेन अ बेबी प्लांट. एक सीड से ही एक पौधा तैयार होता है. एंड फूड फॉर द बेबी प्लांट. ईच सीड कंटेन अ बेबी प्लांट एंड फूड फॉर द बेबी प्लांट. नेक्स्ट इज फ्लावर्स. फ्लावर्स आर द मोस्ट ब्यूटिफुल पार्ट ऑफ द प्लांट. बहुत ही अट्रैक्टिव पार्ट फ्लावर होते हैं पौधे के. फ्लावर्स डेवलप इंटू फ्रूट दैट कंटेन सीड. फ्लावर्स डेवलप इंटू फ्रूट. फ्लावर से फ्रूट बन जाते हैं, और उनमें से दैट कंटेन सीड, जिनमें सीड्स होते हैं. न्यू प्लांट्स ग्रो फ्रॉम द सीड. नया पौधा सीड से तैयार होता है. ट्रीज अराउंड अस, दीज आर द ट्रीज विच आर अराउंड अस. नेक्स्ट इज प्रोटेक्टिंग ट्रीज. डू नॉट अलाउ एनी वन टू कट डाउन द ट्रीज. किसी को भी पेड़ नहीं काटने चाहिए. ट्रीज आर द सोर्स ऑफ मेडिसिन, वुड एंड ऑक्सीजन, फूड एंड ऑक्सीजन, एंड द वेरियस एक्टिविटीज. ऐसी एक्टिविटीज जो फूड, जो फॉरेस्ट को कटने से रोकें, कंजर्व करने का बढ़ावा दें, वैसी एक्टिविटीज़ हमें स्कूल में ऑर्गेनाइज करनी चाहिए. बच्चों को
इस तरह के जो फंक्शन होते हैं, इस तरह के जो इस तरह से बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए कि उनको पता चले कि फॉरेस्ट की इम्पोर्टेंस क्या है, पेड़ों की हमारे लिए इम्पोर्टेंस क्या है, ऐसे प्रोग्राम स्कूल में ऑर्गेनाइज करने चाहिए। चिल्ड्रन आर एनकरेज टू प्लांट मोर ट्रीज इन देयर सराउंडिंग्स। वन महोत्सव जैसे फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज करना चाहिए, सेलिब्रेट करना चाहिए। ऑन दिस डे अ लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज आर प्लांटेड। वन महोत्सव के दिन ऑल ओवर द इंडिया में इस फेस्टिवल को मनाया जाता है और एक लार्ज स्केल पे पेड़ों को उगाया जाता है। गवर्नमेंट इज आल्सो अवेयर टू द ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ द ट्रीज एंड मैनी ट्रीज आर प्लांटेड ऑन द रोड साइड। दोनों साइड रोड के पेड़ लगाए हैं। और जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट होता है वो फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है और ये पूर्व अनुमति के बिना पेड़ों को कटने से रोकता है। दैट्स ऑल, थैंक यू।